आगे आ जाओ जी, हम आ जाइए। आओ भाभी, आओ आप आओ जी। और आगे निकल जाओ, इधर निकल जाए, मत रखी उधर। अरुणिता जय हो, जी जी मैं करने आया हूँ। तो पूरे समय पूरे दिन रख लेगी इसको, ये सर्टिफिकेट लाइफ का फर्स्ट सर्टिफिकेट, और शेरा पकड़ो मैं साथ में। ओह कसो भाई, आप पूजन कर लो, फिर खड़े होकर खा लेंगे एक फोटो। उधर से आ जा। हाँ उधर से आ जा भाभी, आपको पहले इधर से, इधर से, उधर से, भैया कहने इधर से, उधर से क्या फोटो नहीं आएगा, इधर से लोग पीछे आपको भी लगा दे और क्या क्या करी होती है, कोई लगाते ही नहीं उनके पापा को। अभी फिर कहेगी लेकिन भाभी पूछना किसको लगा देगी, किसको लगाओ, मम्मा को कि पापा को, देख रही है अब नहीं बोली, उसको पता है ना, तो लगेगी। जी जी माँ भाई से खड़े हो जाओ, आ जाओ दूसरी आ जाओ भैया, और क्या आ जाएंगे सब। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी, अध्यक्ष बेटी है तो कल सामाजिक संस्था। आज हमारे भैया सुधा शर्मा जी और मनीष शर्मा जी की बिटिया अरुणिता के जन्म पर उनको बधाई देने के लिए आए, उनको मुबारक को बेटी हुई है कहने के लिए आए हैं। हमारी ये संस्था बेटी है तो कल है, विगत कई वर्षों से जिस घर में भी बिटिया का जन्म होता है हम वहां जाते हैं और उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। हमारे साथ में हमारी वार्ड प्रेसिडेंट प्रीति आनंद जी भी हैं और हमारी ज्योति दुबे बहन भी और भाई साहब भी हैं। तो मैं इस परिवार को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बिटिया के होने पर भी जिस प्रकार आप उत्सव मना रहे हैं, आप सब भी इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब भी खुशियां मनाएं, क्योंकि हमारी बेटियां कदई बोझ नहीं है। हमारी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, उनकी शादी की चिंता ना करें, चिंता करनी है तो उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की चिंता करें और उनको अपने निर्णय लेने की क्षमता को उनके अंदर विकास करें, बस मेरा यही कहना है। क्योंकि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, और बेटी है तो कल सामाजिक संस्था यही जो दायित्व लेकर चल रही है कि हमें बेटियों को पढ़ाना लिखाना और आगे बढ़ाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं पुनः शर्मा दंपति को मुबारक हो, बेटी हुई है कहती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।